यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 144,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हों, और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे, और उन 144,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए, और रस के कुंड में से इतना लोहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया।